नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर करनाल में भी वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के वाल्मीकि चौक पर पहुंचकर भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद प्राप्त किया और जयंती अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भगवान वाल्मीकि द्वारा बुराइयों और समस्याओं से बचाने के लिए उस समय लोगों को भक्ति भाव में शामिल करना समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाद में वह पत्रकारों से रूबरू भी हुए। उन्होंने पुलवामा के बालकोट पर आतंकी हमले पर विपक्ष पर निशाना साधा। निकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित ही बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। सभी पार्टियां जोर शोर से उपचुनावी प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। निकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की कार्रवाई के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए लिख दिया है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि बड़ौदा में किसका डंका बजता है और कौन सा उम्मीदवार वहां जीत का परचम लहराता है। देखिए, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आज करनाल में ही मुझे महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला है। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन दर्शन समाज को एक अच्छी रास्ते पर चलने की जो उनकी विचारधारा, उससे ओतप्रोत होता है। वो एक समाज में जितनी बुराइयां थी, जितनी वहाँ उस समय की सामाजिक समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए और समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए भक्ति मार्ग पर चला करके उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और इस अवसर पर हर वर्ष हम जैसे वाल्मीकि जयंती को मनाते आए हैं, आज भी बड़े धूमधाम से हम लोग यहाँ भी, जैसे आज अभी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम किया, अभी मैं घोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ भी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर समाज को सबको बहुत किसका डंका बजने वाला है सर? जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप लोगों के मन की जो इच्छा है, मैं मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट, उनको जिताने की है, निश्चित जीत। सब लोग लगे हैं, हम भी जा रहे हैं लगातार। सर, पुलवामा में माना है पाकिस्तान ने संसद में की अटैक हुआ था, तो किस तरीके से देखते हैं सर? ये पाकिस्तान ने तो अपनी स्वीकारोक्ति की है, जो बात हम यहाँ कहते थे और जिसको यहाँ के विपक्षी दल हमेशा प्रश्न उठाते थे कि वहाँ बमबारी हुई कि नहीं हुई और बालाकोट के ऊपर हमने बदला लिया कि नहीं लिया। पुलवामा की घटना के बदले में जब इस प्रकार की घटना बालाकोट में हुई, तो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं, उनको भी आज ध्यान में आया होगा कि उस समय पुलवामा की घटना हुई, क्योंकि पुलवामा की घटना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, बालाकोट पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। तो यहाँ के नेताओं को अपने गिरबान में झगड़ा। सर, एक आखिरी सवाल, निकिता मर्डर में जो बात है वो फास्ट ट्रैक में जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैंने बताया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमने जुडिशरी को लोगों को कह दिया कि हमको परमिशन दें और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.